अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। रोज की तरह आज भी बुरी खबर सुनकर लोगों को झटका तब लगा जब पता चला कि सही सलामत राज कौशल एक झटके में दुनिया को अलविदा कह गए। जी हां, एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल अब नहीं रहे। हार्ट अटैक के बाद कुछ ही मिनट में राज कौशल ने घर में आखिरी सांस ली। हैरानी की बात तो यही है कि राज कौशल बिल्कुल ठीक थे। बीते दिन उन्होंने पार्टी रखी थी और दोस्तों के साथ खूब इंजॉय भी किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दूसरे दिन का सूरज वो नहीं देख पाएंगे और सोते ही रह जाएंगे। अचानक बैठे बैठे राज कौशल की हालत खराब हो गई और उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। वो ऐसे नीचे गिरे कि उठ ही नहीं पाए। इतनी भी नौबत नहीं आई कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। घर में ही मंदिरा के पति ने आखिरी सांस ले ली। राज पेशो से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने प्यार में कभी कभी शादी के लड्डू जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। राज और मंदिरा पहले से एक बेटे के माता पिता थे और लॉकडाउन के बीच उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को गोद लिया था। राज और मंदिरा की जिंदगी में बेटी के आने से काफी खुशियां थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को अपनी बेटी से मिलवाया था। मंदिरा और राज ने बेटी के नाम के बाद दोनों का सरनेम लगाया, जिसका पूरा नाम तारा बेदी कौशल है। 49 साल की उम्र में राज कौशल के निधन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया। फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा मंदिरा बेदी और उनके परिवार वालों को गहरा सदमा लगा है। राज कौशल और मंदिरा बेदी के बीच प्यार और विश्वास इतना गहरा था कि कई बार दुनिया के सामने ये जाहिर भी हो चुका है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा कि दोनों ने शादी का फैसला भी प्यार के दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1999 को किया था। इसके बाद पति पत्नी के तौर पर दोनों ने शादी के 11 साल बाद माता पिता बनने का फैसला भी किया था। मंदिरा बेदी और राज कौशल की पहली मुलाकात साल 1996 में एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। साल 1996 में फिलिप्स डैन के ऑडिशन के दौरान मंदिरा बेदी और राज कौशल की मुलाकात हुई थी। राज कौशल उस दौरान मुकुल आनंद के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकार आंख झपकते ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अभी अभी वो बैठे मौज मस्ती कर रहे थे कि पलक झपकते ही वो आखिरी सांस भी ले चुके। ऐसे कलाकार जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर घर घर में पहचान बनाई, दर्शक हर किरदार और कलाकार को बखूबी याद करते हैं। कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं जिनसे दर्शकों को इतना लगाव हो जाता है कि उन्हें देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। सीधे तौर पे कहा जाए तो छोटे पर्दे के चेहरे भी लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम कलाकारों की बात क्यों करें? दरअसल आज हम उन टीवी स्टार्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से खूब नाम कमाया, लेकिन वो सभी को शो के बीच छोड़कर चले गए। जी हाँ, ऐसे कुछ टीवी स्टार्स रहे हैं जिनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया और दर्शकों का दिल टूट गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन कलाकारों के बारे में। रीमा लागू फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चर्चित नाम है। रीमा जी ने ना सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता बल्कि सीरियल्स में भी अपनी अदाकारी से लोगों का खूब एंटरटेन किया। फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ में उन्हें घर घर में पहचान मिली। इस फिल्म के दौरान लोग रीमा को आलोक नाथ से भी जोड़ने लगे थे, उनका नाम चिढ़ाने लगे थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। वहीं टीवी सीरियल श्रीमान और श्रीमती उनके करियर का सबसे हिट शो रहा है। रीमा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया। आखिरी बार वो टीवी सीरियल नामांकन में बड़ी भूमिका अदा करती नजर आई थी और इसी सीरियल के शूटिंग के वक्त रीमा की आवाज बंद हो गई, हाथ पैर अकड़ गए और देखते ही देखते उन्होंने आखिरी सांस ले ली। शूटिंग के वक्त ही रीमा लागू को हार्ट अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। रीमा के ऐसे जाने से हर कोई शॉक रह गया। वहीं पॉपुलर शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आजाद भी इसी तरह से चले गए थे। उन्हें भी इसी शो की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक पड़ा था। टीवी सीरियल मिसेस कौशिक की पांच बहुएं सिमरन के रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस रुवीना शेरगिल की मौत भी अस्थमा अटैक से हुई थी। सबसे दुख की बात तो यह कि सीरियल की पार्टी के दौरान ही रुवीना को यह अटैक पड़ा था, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो 30 साल की थी और दुनिया छोड़कर चली गई। उनके निधन पर शो पर काफी असर भी पड़ा था। इनके अलावा शो महाकाली के अभिनेता गगन कंग और अरिजीत लवारिया ने एक कार एक्सीडेंट में दुनिया को अलविदा कह दिया था।
टीवी शो महाकाली में देवराजेंद्र की भूमिका में गगन और नंदी की भूमिका में अरिजीत और लवारिया नजर आ रहे थे। ये दोनों कलाकार उमरगांव से शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस लौट रहे थे और उस दौरान ये दोनों स्टार लगातार शूटिंग कर रहे थे। वो अगली सुबह ही पैचअप करके वापस लौट रहे थे। बता दें कि गगन कार ड्राइव कर रहे थे और तभी उनकी कार टकरा गई और इस हादसे में एक्टर ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। पैरालिसिस जैसी घातक बीमारी से पीड़ित जयपुर के हृदयेश्वर सिंह भाटी ने बहुत कम उम्र में शतरंज के क्षेत्र में 7 आविष्कार और 3 पेटेंट्स अपने नाम कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाकर न केवल पूरे देश दुनिया में पहचान बनाई बल्कि पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक इस बच्चे के आगे सिर झुका चुके हैं। और यही वजह है कि जब इस बच्चे का हार्ट अटैक से निधन हुआ तो पूरा देश रोया। हाल ही में इस बच्चे के निधन पर पीएम मोदी से लेकर कई सेलेब्स तक ने शोक जताया था। बता दें हम आपको कौन है ये बच्चा जो सभी को रुला कर गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हृदयेश्वर सिंह भाटी को पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट रचनात्मक बाल श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 3 सितंबर 2002 को जन्मे हृदयेश्वर को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनकी उपलब्धियों को मान्यता भी दी है। व्हीलचेयर की मदद से चलने वाले भाटी ने बताया था कि मैं ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से प्रेरित रहा हूं। मुझे 2 से ज्यादा लोगों के लिए शतरंज का विकास करने का विचार आया। उस समय आया जब मैं अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा था और मेरे पिता भी हमारे साथ खेलना चाहते थे। मैंने इस पर काम किया और फिर क्या, एक शतरंज का विकास कर दिया। पहले 2013 में 6 खिलाड़ी द्वारा शतरंज का आविष्कार किया, इसके लिए उन्हें पेटेंट मिला। उसके बाद उन्होंने 12 और 60 खिलाड़ियों के शतरंज का डेवलप किया, उसके लिए भी उन्हें पेटेंट मिला। भाटी ने 2 बहानों 16 सुडोकू में पावर बहान की पहुंच के लिए रैम्स आंदोलन में भी योगदान दिया है। आपको बता दें हृदयेश्वर के शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन हृदयेश्वर ने कभी हार नहीं मानी। हृदयेश्वर सिर्फ 4 साल के थे तो वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे। उनकी मांसपेशियों की लाइजलाज बीमारी ड्यूशिस मास्कुलर डिस्टोफिक के शिकार हो गए थे। इस बीमारी ने उनके 80% शरीर को बेकार कर दिया था। अपनी पावर व्हील चेयर पर बैठे हृदयेश्वर वैज्ञानिक स्टीफन को याद दिलाते हैं। हृदयेश्वर उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बैठे बैठे कुछ सोचना और फिर उस पर काम शुरू कर देना, ये हृदयेश्वर की आदत में शामिल है। आपको बता दें बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार समाज सेवा शैक्षिक खेल कला और संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है। इसके तहत 1 पदक 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार 1 प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।